ये जो सवाल है वो पिछले कुछ दिनों में मुझसे बहुत पूछा जा रहा था कि सर APU क्या है, समझाइए। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि APU AMD की टेक्नोलॉजी है, AMD का खुद का एक कंसेप्ट है, 3-4 साल पुरानी बात है जब उन्होंने APUs लॉन्च किए थे, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा था। लेकिन अभी अभी सुनने में आया है कि AMD बहुत ही जल्द नए सीरीज ऑफ APUs लॉन्च करने जा रहा है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना के आप सबको समझा देता हूँ कि APU क्या है। अब देखिए, APU कोई बिल्कुल एक न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन एक पुराना कंसेप्ट है जिसको AMD ने फर्दर एनहांस किया और थोड़ा सा और आगे लेके गए। आपने देखा होगा कि कंज्यूमर लेवल जो CPUs होते हैं उस पर एक छोटा सा ग्राफिकल चिप दिया जाता है जिसे हम IGPU कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड GPU या ऑनबोर्ड GPU भी कहते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप देख लीजिए चैनल पर जाके। तो AMD ने क्या किया, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और फर्दर एनहांस कर दिया। तो एक उन्होंने ऐसा चिप डिज़ाइन किया जिसमें कुछ नंबर ऑफ कोर्स है वो CPU की होगी, कुछ नंबर ऑफ कोर्स है वो GPU की होगी, ठीक है। तो AMD इज इक्वल टू CPU प्लस GPU, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो और ये जो चिप है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया है ग्राफिकल परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के। तो जो ग्राफिकल कोर्स होगी वो ज़्यादा होगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ, किसी APU में 10 नंबर ऑफ कोर्स होगी तो उसमें से 4 कोर्स होगी वो CPU की कोर्स होगी, 6 जो कोर्स होगी वो GPU की कोर्स होगी, ग्राफिकल कोर्स होगी, ठीक है। तो जो CPU की कोर्स है उसमें सीरियल प्रोसेसिंग किया जाएगा, आपको सबको पता है, अगर नहीं पता है तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, देख लीजिए CPU और GPU में क्या डिफरेंस है। और जो ग्राफिकल कोर्स होगी उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग किया जाएगा। तो अगर आपका कंप्यूटर में आप ऐसा कोई लोड असाइन करते हो जहाँ पे सीरियल प्रोसेसिंग की जरूरत है, तो वो जो पर्टिकुलर टास्क है वो जो CPU की कोर्स होगी उसको असाइन कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई लोड आप असाइन करते हो जहाँ पे ग्राफिकल परफॉर्मेंस की जरूरत है, तो वो जो पर्टिकुलर लोड है वो जो ग्राफिकल कोर्स होगी उनको असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक चिप डिजाइन किया जिसको AMD ने अपना खुद का नाम दिया, यानी कि APU, ठीक है। तो CPU प्लस GPU दोनों की दोनों कोर्स होती है। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपको APU यूज़ करना है, और मैंने जो मेमोरी की फ्रिक्वेंसी वाला वीडियो है उसमें भी ये चीज़ क्लैरिफाई की थी कि APU अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड GPU लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी में ही जैसे मैंने कहा दोनों चीज़ें आ गई CPU प्लस GPU, तो उन इन दैट कंडीशन वो जो APU है वो आपका CPU भी है और आपका GPU भी है। तो जो मेमोरी होगी उसके साथ लगी हुई वो आपकी RAM भी होगी और जो VRAM होती है वो भी होगी, ग्राफिकल मेमोरी, ठीक है। तो वहाँ पे उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होनी, मतलब जितनी फास्ट RAM होगी उतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, ठीक है। अगर मैं पुरानी जनरेशन के जो APUs हैं उसकी बात करूँ तो उसके साथ जो मेमोरी लगाई जाती थी, और AMD वाले खुद भी ये रेकमेंड करते हैं और टेक्निकली देखो तो सही भी है, कि वहाँ पे जो ग्राफिकल मेमोरी होती है उसको ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। आपने बहुत सारे वीडियोस में मेरे मुंह से ऐसा सुना होगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आप APU खरीदते हो, फ्यूचर में आने वाले हैं, तो उसके साथ आप एक ऐसी मेमोरी लगाओ जिसकी फ्रिक्वेंसी अच्छी हो, लेटेंसी कम हो, ज़्यादा मेमोरी चैनल्स में डिवाइडेड हो तो अच्छी बात है, तो ओवरऑल आपको जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे अगर आप कम फ्रिक्वेंसी वाली रैम लगाओगे तो उस APU का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जो APU है उसकी जो ग्राफिकल कोर्स है वो तो ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन वहाँ पे अगर आप स्लो मेमोरी लगाते हो तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉटलनेक क्रिएट होगा, और यही सब मैं आपको समझाना चाहता था। तो अब आई होप कि समझ में आ गया होगा APU क्या है, CPU प्लस GPU, कुछ कोर CPU की कुछ कोर GPU की, ऐसे डिजाइन किया गया है एक APU, AMD का कंसेप्ट है, फ्यूचर में रिलीज होने वाले हैं। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।